हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले की तरह अब फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, एक वीडियो जिसमें आप कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स सीखेंगे और हर बार की तरह इस बार भी एक सॉन्ग के साथ सीखेंगे। एक सॉन्ग गाएंगे और उस सॉन्ग में थोड़े से वर्ड्स जोड़ देंगे जो कि वोकैब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, और आप इन शब्दों को, इस गाने को एक बार सुनकर कभी भी उसके अर्थ को नहीं भूलेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गाना ले रहे हैं और गाने में से कुछ हिंदी के वर्ड्स हटाकर उसी मीनिंग के कुछ इंग्लिश के वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जब भी आप उस वर्ड को देखेंगे या सुनेंगे तभी आपका वो गाना याद आ जाएगा और गाने के साथ साथ वो वर्ड भी आपको याद आ जाएगा, जिससे कि आप लाइफ में कभी भी उन प्रोमिनेंट वर्ड्स को, उनके मीनिंग को कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो आज जो हमने गाना लिया है वो है फैशन मूवी का गाना है, फैशन मूवी जिसमें प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत थी, उस मूवी का एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, दैट इज़ कुछ खास है, कुछ बास है, कुछ अजनबी एहसास है। और इसी में आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो में कि हमने जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उसके ब्रैकेट में मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं। तो पहले वो गाना गाते हैं हम, गाने के साथ हम ऐड करते हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, जिससे क्या होगा, वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए ये बड़ा इजी हो जाएगा कि आप उसको जीवन भर याद रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज कुछ प्रोमिनेंट है, कुछ नाए है, कुछ स्ट्रिंग सिक एहसास है, कुछ प्रोमिनेंट है, कुछ नाए है, कुछ एक्सट्रिंसिक इंडॉक्ट्रिनेशन है, कुछ डिटैचमेंट्स प्रॉक्सिमिटी, कुछ हंस बड़ी लोनलीनेस। क्या ये इनब्रिएशन है, क्या ये कॉन्सेंट है, शायद ये इंडियरमेंट है, अमोर है प्रज्यूमली। क्या ये इनब्रिएशन है, क्या ये कॉन्सेंट है, शायद ये इंडियरमेंट है, अमोर है परजुम्बली। तो ये हमने 12 शब्द फिट किए हैं, 12 इंग्लिश के वर्ड फिट किए हैं हिंदी के गाने में, और अब हम उन वर्ड के मीनिंग को, एक शाब्दिक अर्थ तो हमने समझ लिया है जब हमने उसको गाने में ऐड किया है, अब उसका हम डिटेल में हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी ये वर्ड्स आपके किसी एग्जामिनेशन में आएंगे या कभी भी आप इनको सुनेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा प्रोमिनेंट, कुछ खास है, तो प्रोमिनेंट का मतलब खास ही हुआ, लेकिन इट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई चीज़ किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ में, किसी कंपनी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो तब हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट के साथ हम बहुत बार रोल वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक ही प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाए, अनाए, हम इसको अनाए भी बोलते हैं। नाए के दो मीनिंग होते हैं, एक तो मीनिंग होता है इसका ओल्ड फैशन, जो पुराना फैशन है, लेकिन यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो है नियर या सून, मतलब कि जो आने वाला है, पास है, आने वाला है, लाइक विंटर ड्रॉज नाए, कि सर्दियाँ आने ही वाली हैं। कुछ अजनबी एहसास है, कुछ अजनबी एक्सट्रिंक्शन है, एक्सट्रिंक्शन अजनबी मतलब कि कोई बाहर का व्यक्ति, इसका मतलब होता है फॉर्मल, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसके लिए हम एक्सट्रिंसिक यूज़ करते हैं, लाइक दिस पर्सन इज एक्सट्रिंसिक, कि वो बाहर से आ रहा है, वो फॉर्मली हमें उसके साथ बिहेव करना है। एहसास, एहसास मीन्स इंडॉक्ट्रिनेशन, इंडॉक्ट्रिनेशन मीन्स एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, जब किसी इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हम कोई भावना कूट कूट के भर देते हैं कि हाँ ये होना ही है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, उसके लिए हम इंडॉक्ट्रिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। आप देख ही रहे हैं डॉक्ट्रिन, इस वर्ड में डॉक्ट्रिन वर्ड भी आता है, तो ये कैसी भावना है, कूट कूट के भरी हुई भावना होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव। नेक्सस, कुछ दूरियाँ, नज़दीकियाँ, कुछ डिटैचमेंट्स, डिटैचमेंट अटैचमेंट का ऑपोजिट वर्ड है, अटैचमेंट जब आपको किसी के साथ लगाव हो जाता है, और डिटैचमेंट जब आपको उससे दूरी पसंद हो जाती है, मतलब उससे दूरियां हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाता है, तो दैट इज डिटैचमेंट, भावनात्मक दूरियां। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उससे 2 किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो आपको उससे डिटैचमेंट हो गया, ये भावनात्मक दूरियों के लिए डिटैचमेंट हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम सेपरेट रह रहे हैं या हम दूर हैं, फार है, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जब फिजिकल हम किसी से दूर होते हैं, लेकिन डिटैचमेंट
जब हम भावनात्मक रूप से दूर होते हैं तो तब हम उसके लिए डिटैचमेंट वर्ड यूज करते हैं। नजदीकियां प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी नजदीकियां। लाइक इसका मैं सेंटेंस भी आपको बनाकर बता देती हूँ, एवरीवन हियर लिव्स इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यहां पर हर कोई बहुत ही ज्यादा नजदीकी तौर पर रहता है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नजदीकियां, मतलब घुलना मिलना, बहुत ज्यादा आपसी मेल जोल है, दैट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स, फिर अगेन मैं आपको बताऊंगी, यहाँ भी अगर कोई साथ साथ रह रहा है तब हम प्रॉक्सिमिटी यूज नहीं करते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी भावनात्मक लगाव या भावनात्मक मेल जोल ही होता है, नजदीकियां। अनदर वर्ड इज तन्हाइयां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां। तन्हाइयां मतलब अगर हिंदी में बात करें तो अकेलापन होता है, कि जब कोई इंसान अकेला रहता है उसे अकेलेपन का एहसास होता है। सो तन्हाइयां इज नाउन हेयर, और इसका वर्ड का मीनिंग होता है लोनलीनेस। लोनलीनेस हेयर इज ऑल्सो वर्किंग एज अ नाउन, लोनलीनेस भी नाउन की तरह ही वर्क कर रहा है। क्या ये खुमार है, क्या ये खुमार है, खुमार मीन्स नशा। अब जो ये नशा होता है ये कैसा नशा होता है, खुमार मतलब फॉर्मल इंटॉक्सिकेशन, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनिब्रिएशन, दैट इज फॉर्मल ड्रंक। जब कोई इंसान फॉर्मली ड्रिंक करता है सो दैट इज इनिब्रिएशन। क्या एतबार है, एतबार मीन्स कंसेंट, एतबार का मतलब होता है सहमति, आपसी सहमति, दैट इज कंसेंट। ये आपने काफ़ी टाइम वर्ड यूज भी किया होगा, सुना भी होगा कि जो भी काम है वो उन्होंने आपसी कंसेंट से किया है, उसके कंसेंट से उसने ये काम किया है, दैट इज एतबार या सहमति। शायद ये प्यार है, दैट इज एंडियरमेंट, प्यार है शायद। यहाँ पर दो बार वर्ड यूज हुआ है प्यार, दोनों का मैंने अलग अलग वर्ड यूज लिया है इंग्लिश का, और दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट वर्ड के लिए एंडियरमेंट, एंडियरमेंट मीन्स मतलब प्यार, कैसा प्यार, भावनात्मक लगाव। देयर इज एन एंडियरमेंट बिटवीन दीज टू पीपल, इन दो लोगों के बीच में भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक प्यार है। द अनदर वन इज अमोर, अमोर भी प्यार है, लेकिन हम जब इसको यूज करते हैं सो ये थोड़ा सा फिजिकल लव के लिए यूज होता है, फिजिकल अटैचमेंट के लिए अमोर वर्ड को हम यूज करते हैं, और वहीं एंडियरमेंट वर्ड को हम भावनात्मक लगाव के लिए यूज करते हैं। शायद, शायद मीन्स प्रज्यूमबली, मतलब कोई आप श्योर नहीं है कि कोई काम होगा या नहीं होगा, या आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर श्योर नहीं है कि ये है कि नहीं है। सो ये पूरे हमने वर्ड्स के लगभग 12 वर्ड हैं ये, इन 12 वर्ड के हमने मीनिंग भी सीखे हैं, और मीनिंग को अगर आप 2-4 बार इस गाने को गाएंगे, अपना एक साथ गाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये वर्ड आप कभी भी जीवन पर्यंत कभी भी इनके मीनिंग को आप नहीं भूलेंगे। प्रोमिनेंट से लेके प्रज्यूमबली तक ये सब 12 वर्ड्स हैं, और इनको अगर आप एक बार गाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार मैं फिर से पूरे गाने को आपको गाकर दिखा देती हूँ। कुछ प्रोमिनेंट है, कुछ नाई है, कुछ एक्सटेंसिक इंडॉक्ट्रिनेशन है, कुछ डिटैचमेंट्स प्रॉक्सिमिटी, कुछ हंस पड़ी लोनलीनेस। क्या ये इनब्रिएशन है, क्या ये कॉन्सेंट है, शायद ये इंडरमेंट है, अमोर है परज्यूमली। सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा सी यूजफुल लगी होगी, और साथ ही साथ आपने थोड़ा सा मज़े में भी, थोड़ा फन के साथ इन वर्ड्स को लर्न किया होगा। तो आई होप कि आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो आप इसको शेयर भी करेंगे जिससे आगे भी लोग इसको फ़ायदा उठा सकें।